दोस्तों आज जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करने वाले हैं, हालांकि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हमारी वीडियोस में जाकर, व्हाट्सएप भी करते हैं, बट हमने पहले वीडियोस कुछ बनाई हैं हालांकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में लगभग 2-3 साल पहले। आज मैं काफी डिटेल में आपको बताऊंगा OPJS यूनिवर्सिटी के बारे में। OPJS यूनिवर्सिटी जो कि चलती है राजस्थान चूरू में ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों। इस यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे अप्रूवल्स हैं, बट अप्रूवल्स को जानने के लिए कम स्टूडेंट्स हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। पर ज्यादातर स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन अगर आपने ले लिया है किन किन बातों का आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे कराएंगे, जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप कैसे निकालेंगे, और भी कई सारी बातें जो सवाल अक्सर आप हमसे पूछते हैं। OPJS यूनिवर्सिटी के बारे में काफी हद तक डिटेल्स देने की कोशिश आपको मैं करूंगा। हम ये भी बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, किन किन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ख्याल रखें अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट हैं, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी, और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। दोस्तों OPJS यूनिवर्सिटी उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है अपने देश में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट जो बॉडी करती है वो है UGC, और UGC के ऊपर देखा जाए तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब बात क्या होती है सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जो यूनिवर्सिटी पर रेख देख करती है UGC, क्या अपनी वेबसाइट पर अपडेट करती है उनके सभी अपडेट्स को? दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? व्यू वेबसाइट। आप यहाँ पर जाएंगे तो जो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुलती है opjsuniversity.edu.in, ये इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब आप देखते हो तो बहुत डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, बट इतने सारे यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है और इनमें से कितने का अप्रूवल है, किस तरह से यूनिवर्सिटी करवा रही है, ये सब आपको समझना होगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो आपको जाननी चाहिए, यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक चीज मेंशन की हुई है दोस्तों, यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। OPJS यूनिवर्सिटी कोई भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं करती है, किसी भी वेरिफिकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस आना होगा। ऐसी बात यूनिवर्सिटी ने क्यों लिखी है और क्या चाहती है या क्या मैसेज देना चाहती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, उसके बारे में आपको समझना चाहिए दोस्तों। बहुत सारी चीजें आकर ऑन कैमरा नहीं बोली जाती हैं, मतलब कि डिटेल्स आपको पता होगी, जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स किया इस यूनिवर्सिटी से उन स्टूडेंट्स को बेहतर पता होगा। पर आगे आगे जो भी आप डिमांड करेंगे कि किस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हम वीडियो लेकर आएंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश दोस्तों जरूर करेंगे अपनी वीडियोस के माध्यम से। आप सजेस्ट जरूर करो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। जो टोटल अप्रूवल्स की अगर बात की जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी बनने से पहले स्टेट का अप्रूवल लेती है, मतलब राजस्थान का इन्होंने अप्रूवल लिया होगा, राजस्थान जो स्टेट है उसका अप्रूवल, साथ में यूनिवर्सिटी ने UGC का अप्रूवल लिया। अब बाकी डिटेलियां मेंशन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी बोलती है हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, आपको LLB करनी है, 3 साल की LLB करनी है, 5 साल की LLB करनी है, तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारे पास बार काउंसिल का अप्रूवल है, AICTE का हमारे पास अप्रूवल है, मतलब कि यूनिवर्सिटी, वैसे देखा जाए दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को AICTE का अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ये अप्रूवल की जरूरत है सिर्फ कॉलेजेस को, पर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है अप्रूवल्स में। UGC मैंने आपको बता दिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब कि जो भी कोई BR MBR करना चाहता है स्टूडेंट, BRB आर्किटेक्चर करना चाहता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो यूनिवर्सिटी बोलती है हम कोर्स करवाते हैं। साथ में यूनिवर्सिटी के पास ये लिखा हुआ है रिकॉग्निशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्लानिंग, जो प्लानिंग कोर्सेज होते हैं ना, बी प्लान भी होता है, एम प्लान भी होता है, वो कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है। यूनिवर्सिटी के पास यूनिवर्सिटी एक्ट काम का चीज आपकी नहीं है, NAC को आप देख लें, यूनिवर्सिटी बोलती है NAC एक्रेडिटेशन है, बट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप देखोगे अगर NAC होती है तो यूनिवर्सिटी फ्रंट पे हालांकि डाल देती है, NAC में नाम कहीं ना कहीं होगा, हो सकता है यूनिवर्सिटी का। NCT की बात करती है यूनिवर्सिटी, NCT मतलब कि NCT का अप्रूवल है तो यूनिवर्सिटी BEd करा सकती है, MEd करा सकती है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी DEd जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन लेती है।
रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है जहाँ पर बीएड स्पेशल कराया जाता है, साथ में द इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी ज़्यादा आपके काम का नहीं होगा। एग्रीकल्चर कराने के लिए आई कार का अप्रूवल यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है, साथ में और भी कुछ चीज़ें मेंशन है यहाँ पे, फार्मेसी जैसी बात करी जा रही है। फार्मेसी मतलब बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ करवा सकती हैं जिनके पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होता है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन कराना चाहती है तो उसके पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि आरसीआई का अप्रूवल होना चाहिए। और भी कुछ चीजें मेंशन यहां पर हालांकि की है, बट जो मेन मेन अप्रूवल्स के बारे में मैंने आपको बात की है वो बता दिया। दोस्तों बात ये नहीं होती यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कितने हैं, बात ये होती है कितने अच्छे से, कितनी क्वालिटी एजुकेशन आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन लेना, अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज ही अगर बन जाए सिर्फ नोट छापने की मशीन तो वहां प्रॉब्लम्स हो जाती है, आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम हो जाती है, उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी वो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है जिसने एडमिशन लिया इस यूनिवर्सिटी में, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करना, स्टूडेंट तक बात पहुंचनी चाहिए, क्या कुछ है, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने जाना होगा ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के बारे में, कोई भी डिटेल्स आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे और हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।